वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स सेटअप फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक CHSL का पेपर देखने वाले हैं जो 3 फरवरी 2017 को शिफ्ट 3 में कंडक्ट हुआ था। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कह रहा है दो कारें क्रमशः 30 और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम लेती है तो ए से बीच की दूरी बतानी है, शहर ए से शहर बी की दूरी बतानी है। फ्रेंड जी, जब भी अपने को इस प्रकार का केस दे रखा हो, जैसे कि अभी आपके सामने है, और हमें समय का अंतर दे रखा हो और स्पीड दे रखी हो दोनों की, तो हम दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, v1 into v2, यानी जो अपने को वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है दोनों की, v1 minus v2 into समय का अंतर, टाइम डिफरेंस। तो v1 v2 कितना दे रखा है, 30 × 48, अब इन दोनों का अंतर कितना है 18, और समय का अंतराल दे रखा है 3 घंटे। तो ये 6 बार चला गया, ये 5 बार चला गया, 8 × 40, आखिरी में 0 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ओके 2 में पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 5 = 20, 8 × 40, 240 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 6000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अभी 2 मिनट के लिए इस 6000 की राशि को भूल जाते हैं। हमें प्रश्न में दे रखा है कि 6000 रुपये पे 2 वर्षों के लिए 10% की दर से जितना भी ब्याज मिलता है ना, वो जो राशि है वो कुछ रुपए पे 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज उसका आधा है, तो अपने को वो राशि निकालनी है साधारण ब्याज वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अभी थोड़ी देर के लिए 6000 को भूल जाते हैं, हम इसको 100 ले लेते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अगर 2% वार्षिक दर हो, मतलब 10% वार्षिक दर हो, तो 2 साल का CI कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 10% की दर से 21% होता है। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपये होंगे तो हमें 2 साल में 10% की दर से रुपए कितने मिल जाएंगे, 21। और कुछ लोग सोच रहे होंगे 21 कैसे आया, तो 21 आएगा फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, और हम इसको कहते हैं क्रमागत प्रतिशत, और क्रमागत प्रतिशत के 2 साल का फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, और इन दोनों केस में a और b का मान 10 है, जब 10 रख के पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 21, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। अगर रुपए हो 100 तो रुपए मिलते हैं 21, मगर अभी 100 थोड़ी है, 6000 है, यानी 60 गुना, तो इसका भी 60 गुना कर दो, तो 6 × 12 = 1260 रुपये हो गए। ठीक है, अब 2 साल का ब्याज आ गया 1260 रुपये, मगर हमें क्या करना है, इसका आधा करना है। ठीक है ना, तो इसका आधा कर देते तो 630 रुपये हो जाएंगे। अब 630 रुपये जो है वो 3 साल का इंटरेस्ट है 10% की दर से, अगर प्रतिवर्ष 10% पैसा मिल रहा हो तो 3 साल में कितना परसेंट पैसा मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में सभी वर्षों का ब्याज बराबर होता है, तो यदि हर वर्ष 10% मिल रहा हो तो 3 वर्ष में 30% मिलेगा। कहने का मतलब जो ये मान है वो 30% की वैल्यू है। ठीक है, 30% का मान दे रखा है 630 रुपये, यानी कि 1% का मान हो जाएगा 21 रुपये, 30 से भाग कर दिया तो 21 रुपये आ गया, और 100% का मान कितना हो जाएगा, 21 × 100 = 2100, उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6 दुपट्टे की खरीद पर 3 दुपट्टे फ्री मिल जाते हैं,
डिस्काउंट बताओ अपने को, जो पैसे वैसे दे रखे हैं सब टाइम बर्बाद करने के लिए दे रखे हैं, शहीद मत हो जाना, ये सब फंसाने की चाल होती है इनकी कि आप लोग रुपए से कैलकुलेट करो और आत्महत्या हो जाए। बस आपको देखना है किसके साथ क्या फ्री मिल रहा है। आप लोगों ने 6 के पैसे दिए, 3 फ्री मिल गए, मतलब घर कितना लेके आए, 9, उसमें फ्री कितने थे, 3 फ्री थे, यानी कि 3/9, और 3/9 का मतलब कितना होता है, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3% आंसर आ गया। अब अगर आप लोगों ने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने ये ऐसे फर्जी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, आप ज़रूर देखें। अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो वो वीडियो ज़रूर देखें आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम 11 और 825 दे रखा है। महत्तम 11 है और लघुत्तम 825 है, यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एक बात बतानी चाहिए, अगर हमें दो संख्याएं दी गई हैं n1 × n2, अगर हमने दोनों संख्याओं को गुणा किया तो वो क्या होता है, एल सी एम गुणा एच सी एफ के बराबर होता है। और आपको एक बात बतानी चाहिए, जो नंबर होते हैं ना इनके अंदर पहले से ही एच सी एफ मिला हुआ होता है, जो महत्तम होता है ना उन नंबर के अंदर पहले से ही होता है। कहने का मतलब जो दूसरा नंबर होगा ना उसके अंदर भी 11 पहले से ही मल्टीपल होगा, मिला हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, जो उत्तर होगा ना वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देख लो 11 का मल्टीपल कौन है, एक ही मल्टीपल है 11 का, एक ही गुणा के 11 का वो है 33, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, वैसे आप और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको सब वैल्यू दे रखी है तो 11 × 825 बराबर x × 225, अब आप 3 से काट दो तो x का मान अपने आप ही आ गया 33। मगर इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी और कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये और लॉजिक पता है, नंबर के अंदर पहले से अच्छी है प्रेजेंट होता, अगर ये लॉजिक आप पहले जानते हैं तो आप ऑप्शन दे के टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, वो कह रहा है cos 60 − 37। फ्रेंड्स cos 60 होता है आधा और 37 होता है 2/√3, तो बीच में माइनस का साइन है, −2/√3, तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, और तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, और इसको कर दो √3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे नीचे √3 आ जाएगा, तो कितना आ गया, √3 − 4/√3। ऑप्शन देख लो, माइनस आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने एलसीएम लिया, ये मेरा एलसीएम लेने का तरीका है। अगर आप लोगों का कोई और मेथड होता होगा तो आपको भी एक्चुअली लास्ट में यही करना पड़ेगा, नीचे 3√2 ही आएगा, मतलब √3 × 2 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको पता होगा cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 − 2 sin²a। तो हमने क्या किया है, इस cos को तो यहाँ बुला लिया और sin को यहाँ भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin²a = 1 − cos 2a, और इस 2 को नीचे भेज दिया डिवाइड में। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जो ये cos 2a था ना, यहाँ पे इस cos 2a की जगह cos a कर दिया गया है और sin a की जगह sin a/2 कर दिया गया, तो sin² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 − cos a/2, तो आंसर आ जाएगा sin² a/2। बस यहाँ पे हाफ किया गया, एंगल को हाफ कर दिया है, ये हाफ एंगल फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला। आप लोग कंफ्यूज हो जाओ इसलिए इन्होंने इनको एंगल को a लिख दिया है, ताकि आप लोग डर जाओ और इस क्वेश्चन में अपना टाइम बर्बाद कर दो। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ गगनजोत सैलरी इज 7/6 ऑफ हजीफ, यानी कि जी अपॉन एच कितना हो जाएगा, 7/6, यानी जी गगन की सैलरी अगर 700 रुपये है तो हरीश की सैलरी 600 रुपये होगी। ठीक है, अगली कंडीशन क्या दे रखी है, सईद की सैलरी 8/7 है किसकी, हफीज की, यानी s/h कितना हो जाएगा, 8/7। ठीक है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं,
जी अनुपात एच बराबर 7:6 और एच अनुपात एस बराबर 7:8। मैंने देखो फ्रेंड्स पहले एच लिखा है इसलिए मैंने पहले 7 यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे एच का मान है 6, यहाँ पे एच का मान है 7, तो हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, नीचे करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, ताकि एच कॉमन हो जाए दोनों में। तो 77 49, 7 6 42 और 6 8 48, तो अनुपात कितना आ जाएगा दोनों का, मतलब जी और एस का अनुपात पूछा ना, जी और एस का अनुपात तो वो है 49:48 अनुपात है, पहला आंसर आ गया। ओके अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ए शॉपकीपर बाय सेलिंग 20 टाइमेक्स वॉचेस अर्न से प्रॉफिट इक्वल टू एसपी ऑफ 4 टाइमेक्स वॉचेस, प्रॉफिट निकालना है, यानी कि 20 SP माइनस 20 CP बराबर 4 SP। प्रश्न में दे रखा है 20 घड़ियाँ बेचने पे, तो मैंने लिखा है 20 SP। SP क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और CP क्या है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो उसने 20 घड़ियाँ बेची हैं, 20 घड़ियाँ बेची कब होंगी, जब उसने 20 खरीदी होंगी, और इस फर्जीवाड़े होने के बाद उसको 4 घड़ियों के बेचने का प्रॉफिट मिला है, तो लिखा हुआ है 4 सेलिंग प्राइस, मैंने वही लिखा हुआ है। तो CPSP में रिलेशन कितना आ जाएगा, 16 SP बराबर 20 CP, कहने का मतलब SP अपॉन CP कितना हो जाएगा, 20/16, यानी कि अनुपात कितना है, 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेचा गया है, यानी कि एक की वृद्धि है 4 पे, 1/4 की वृद्धि है, और 1/4 का मतलब होता है 25%, यही हमारा आंसर है। 4 का सामान हमने 5 में बेचा है, यानी कि 4 रुपये पे 1 रुपये की वृद्धि हो गई, और 1/4 का मतलब होता है 25%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए का मान एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। फ्रेंड्स कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और ये क्या बन जाएगा, 1 - cos/sin, और हम 1 - cos/sin को लिख सकते हैं sin/1+cos। आंसर ये स्टेप फ्रेंड्स आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MTS से लेके CGL तक ये कॉन्सेप्ट घूमता फिरता रहता है, अगर आप ये याद रखो, क्योंकि इसको ड्राइव करने में आधा पन्ना बर्बाद होता है, अगर आप इस वाले स्टेप को याद रख सको तो MTS से लेके CGL में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अरे यार लाइट चली गई, हे भगवान। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए कोन ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर हाइट, इतना कोन को पिघला के सिलेंडर बनाया गया है, सेम रेडियस का, समान क्या कहते हैं उसको, समान त्रिज्या का, तो उसकी हाइट निकालनी है। तो हमें मालूम है कोन का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² हाइट कितनी है, 12। मैंने आर स्क्वायर को आर स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि वो तो कट ही जाएगा आगे, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस बराबर ही है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr² h, तो पाए से पाए शहीद हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर शहीद हो गया, क्योंकि दोनों के आर सेम है, तो यहाँ से आ गया 4, 3 से 12 कट गया 4, आंसर आ गया 4, और कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 छात्रों की क्लास में एक ग्रुप था 39 गर्ल्स का, और रिमेनिंग जो थे वो बॉयज़ थे, और जो हमारी गर्ल्स थी उनका जो एवरेज वेट था वो 60 kg था, और जो पूरी क्लास का एवरेज वेट था वो 64 था। तो हमें क्या करना है, बॉयज़ का एवरेज वेट निकालना है। ओके फ्रेंड्स पूरा कैलकुलेशन करने से पहले हमें एक चीज़ देख लेनी चाहिए क्वेश्चन में, ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, और जो गर्ल्स का जो नंबर है, वो दोनों ही एक कॉमन मल्टीपल से डिवाइड हो सकते हैं, 13 × 3 = 39 एंड 13 × 5 = 65। तो हम क्या करते हैं, इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा,
65 की जगह हम 5 यूज़ कर सकते हैं और 39 की जगह हम 3 यूज़ कर सकते हैं। तो जो बॉयज़ बचेंगे वो कितने बचेंगे, वो 2 बचेंगे, क्योंकि टोटल बच्चे 5 होने चाहिए जिनमें गर्ल्स 3 हैं और बॉयज़ 2 हैं। अब देखो, 3 गर्ल्स का औसत एवरेज वेट 60 है और 5 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 64 है। तो अब हमें बॉयज़ का एवरेज वेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें बस यूनिट प्लेस की बात ध्यान रखनी है। अब देखो, 3 गर्ल्स का एवरेज वेट 60 है, यानी कि लास्ट वैल्यू अगर हम इसको ऐड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 आ रहा होगा। और जो हमारे पूरी क्लास का एवरेज वेट है, अगर हम उसको भी ध्यान से अगर देखें तो 5 चौक 20, यहाँ से भी 0 आ रहा है, यानी कि दोनों केसेस में 0 आ रहा है। तो जो बॉयज़ का वेट होगा ना, उसमें भी 0 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 0 है, 70। तो आंसर हो जाएगा, बिना किसी कैलकुलेशन के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 70 आ रहा है। मगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, 64 × 5 इज़ वॉट, 320, क्योंकि 6 × 5 = 30 और 4 × 5 = 20, तो 320 होते हैं। तो पूरी क्लास का एवरेज वेट आना चाहिए 320। और जिसमें से लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं हमारी 3, उनका एवरेज वेट 60 है, तो हर एक और तीन, तो फिर तीनों का कितना हो जाएगा 180। तो हम 320 अगर 180 घटाएंगे तो बचेंगे 140, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, क्योंकि बच्चे दो, लड़के दो ही हैं, तो 70 आ गया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 18, व्हाट इज द एरिया। किसी वर्ग का जो विकर्ण है, डायगोनल है, उसकी वैल्यू दे रखी है 14। और किसी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता क्या है, ए रूट टू। अगर उसकी भुजा ए है, यानी साइड अगर ए है, तो उसका डायगोनल क्या होगा, ए रूट टू, यानी कि ए रूट टू की वैल्यू 14 दे रखी है। और हमें ए स्क्वायर निकालना है, क्योंकि एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो हमें ऐसे ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2, तो ए रूट टू इस साइड में आ जाएगा, तो इससे एक बार ये कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × √2, और हमें कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 77 × 49, 49 × 2 = 98 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु ए 0,4 और बी -5 और 9 को जोड़ने वाले रेखाखंड पर और बिंदु पी से होकर गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। बिंदु पी ए बी को 2:3 में बांटता है। ओके, कोई एक लाइन है ए बी और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 और 4, -5 और 9। फ्रेंड, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना, वो बिना किसी फॉर्मूले का है, और अगर हम बहुत अगर फार्मूला यूज़ भी करेंगे तो बिल्कुल मिनिमल यूज़ होगा फार्मूला इसका, ताकि क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को फार्मूले से बनाने जाओगे ना, तो पेपर में आप एक क्वेश्चन बना लोगे ये वाला, क्योंकि वैसे मेथड तो काफ़ी बड़ा है, मगर मैं आपको जो इसका स्मार्टेस्ट अप्रोच हो सकता है वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इस दोनों लाइन, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक पॉइंट है पी, जो इसको 2x × 3x में बांट देता है, मतलब यानी कि ये डिस्टेंस 2x है और ये डिस्टेंस 3x है, ठीक है। अब देखो, स्मार्टेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, अगर हमें ये पॉइंट मालूम चल जाए, ठीक है। दूसरे केस में क्या बोला हुआ है कि इन पॉइंट से जो लाइन गुजर, उसमें एक पॉइंट P है, इस इन पॉइंट पे जो लाइन होगी इसमें एक पॉइंट है, और इससे परपेंडिकुलर होकर लाइन गुजर रही है, ठीक है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसका स्लोप कितना होता है, अगर एक लाइन M1, एक लाइन का स्लोप M1 और दूसरी लाइन का स्लोप M2 हो, तो उनके बीच में रिलेशन होता है M1 × M2 = −1, ठीक है। तो हम एक बार स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लोप तो निकालना पड़ेगा और हम इस कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे। हमें एक लाइन का पॉइंट मालूम है, तो स्लोप क्या होता है, y2 − y1 / x2 − x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग 9, और y1 है 4, तो 9 − 4 / −5 − 0, तो ये कितना आ जाएगा,
फाइव अपॉन माइनस फाइव विच मीन्स माइनस वन, यानी कि एक ये जो लाइन है इसका स्लोप है माइनस वन, तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। कैसे? हमें मालूम है कि दोनों लाइन के बीच में जो दोनों लाइन के स्लोप के बीच में रिलेशन माइनस वन होना चाहिए, और हमने एम वन कैलकुलेट कर लिया माइनस वन, तो माइनस वन इन टू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, देन माइनस वन से माइनस वन शहीद हो गया तो बचा क्या, एम टू बराबर वन। यानी कि यहाँ से जो लाइन पास हो रही होगी ना इसका स्लोप क्या है, वन। और अगर हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और लाइन की इक्वेशन से हमें स्लोप कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स अपॉन वाई, यानी कि एक्स का कोफिशियंट माइनस में डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशियंट प्लस में। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी, वन। अब देखो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू पॉजिटिव में कब आएगी, अगर फ्रैक्शन के ऊपर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन के नीचे भी नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। यानी कि जो भी हमारी लाइन की इक्वेशन होगी ना उसमें वाई कंपोनेंट नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव में होता तो ये स्लोप माइनस में ही आ रहा होता। तो ये दो ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं ना जिसमें वाई प्लस में है, तो वो दोनों एलिमिनेट होगा, क्योंकि स्लोप वन लाने के लिए हमारा वाई का कोऑर्डिनेट, वाई का जो हमारा मतलब क्या कहते हैं उसको, कोफिशियंट है, वो माइनस में होना चाहिए। तो हमने ये जज कर लिया कि इन दोनों में से जो एक ही आंसर हो, इन दोनों में से ही जो भी होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी अगर मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और बताने वाला हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन को बिना किसी और फॉर्मूले के ईजिली कर सको। ठीक है, ओके, अब हो जाएगा। अब देखो हमें ये मालूम चल गया कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब अगर हमने किसी तरह इस पी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए ना किसी भी तरह, तो हम बस उन कोऑर्डिनेट को वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जो ए पी के बीच में डिस्टेंस है वो है 2x, और जो पी बी के बीच में डिस्टेंस है वो है 3x। अब देख लो ए बी के बीच में डिस्टेंस है कितना, ए बी के बीच में डिस्टेंस है 5 का। अगर हम अब इस 5 यूनिट को 2 यूनिट में डिवाइड करें, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लाइन में क्या हो रहे हैं, 0 से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम 0 से 5 नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो दो पार्ट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट P है ये है -2। समझ में आया, क्योंकि हम 0 से दो पार्ट बढ़ रहे हैं आगे तो -2 हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा -2। अब उसी तरह y में देख लेते हैं, y एक्सिस में भी कितना डिफरेंस है, y एक्सिस में भी 5 का डिफरेंस है, मगर अब हमें मूव ट्रैवल कितना करना है, 2x का। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5 का ही है, मगर अब हमें 4 से आगे 2 जाना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले हमारा पॉइंट 0 ही था तो हम 0 से 2 आगे गए थे, मगर अभी हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, 4 है, तो 4 से अगर हम 2 आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट आ गया। अब देख लो अगर हम 6 से 9 जाते हैं तो 3 पॉइंट बढ़ते हैं, तो देखो आगे 3 ही है। अगर हम 6 से 9 ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में कितने यूनिट मूव करें, 3 यूनिट, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली अगर हम 4 से 6 मूव करें तो हमने कितना यूनिट ट्रैवल किया, 2x, तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। अब हमें कोऑर्डिनेट मिल गए -2 और 6। अब इन दोनों पॉइंट को रखने पे जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं, हमें दे रखा है पहला इक्वेशन में x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू है -2 और वाई की वैल्यू है 6 प्लस का, तो यहाँ से कितना सॉल्व करके था, -8 आ रहा है। तो क्या पहले क्वेश्चन -8 है, यानी कि आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी छात्र ने किसी संख्या को 7/4 की जगह 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैलकुलेशन में एरर कितना आया था। फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब भी हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें कोई एक नंबर रिज्यूम करना पड़ेगा, और जो हम नंबर रिज्यूम करेंगे वो डिपेंड करेगा उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे, नीचे वाले भाग पे, हर पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है कितना, 7 और 4, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 7 और 4 का, तो कितना जाएगा 28, तो वो नंबर हो जाएगा 28। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ठीक है,
28 इंटू 4 बाय 7 तो 7 चौक 4 चौक 16, 28 इंटू 7 बाय 4 6 7 6 जब 42, यानी कि हमारा आंसर 42 आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बच्चे को नंबर 7 बटे 4 से मल्टीप्लाई करना था, उसने 4 बटे 7 से कर दिया, यानी कि उसका आंसर 42 आना चाहिए था। उसका आंसर कितना आया? 16। तो डिफरेंस कितना है? 42 माइनस 16 अपॉन 42 इंटू 100, ठीक है। 22 और 4 कितना होता है? 24। 24 बटे 42 इंटू 100, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस वाले पार्ट को मान लें 25 और इसको मान लें 40, तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 5 बटे 8, तो 5 बटे 8 होता है अराउंड 62.5। मगर यहाँ पे हमारी वैल्यू नीचे बड़ी है और हमने ऊपर भी चेंज किया है, तो जो भी हमारा आंसर हो ना, इससे हल्का सा वेरी करेगा, हल्का सा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा अलग होने वाला आंसर क्या है? एक ही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पेंटर ए किसी घर को 40 दिन में, पेंटर बी उसी घर को 60 दिन में पेंट कर सकता है, और स्टिक की मदद से वो तीनों मिलके उसी घर को 20 दिन में फिनिश कर देते हैं, रंगाई को ख़त्म कर देते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कर सकता है? ए अकेला 40 दिन में, बी अकेला 60 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके करते हैं 20 दिन में। तो इन तीनों कैल्शियम कितना आ जाएगा? 120 आ गया। अगर ए 120 काम को 40 दिन में करे तो एक दिन में तीन काम करेगा, यानी एक ही एफिशिएंसी तीन है। बी अगर 120 काम को 60 दिन में कर रहा है तो एक दिन में दो काम करेगा, और अगर तीनों मिलके 120 काम 20 दिन में कर रहे 20 दिन में करे तो यानी कि एक दिन में छः काम हो रहा होगा। 4 तीय 12, 6 दुनी 12, 20 छिंग 12, मतलब 120, ठीक है। तो अब देखो, तीनों साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में 6 यूनिट हो रही है, और खाली ए और बी काम करते तो एक दिन में 5 काम हो रहा होता, क्योंकि ए और बी का इंडिविजुअल 5 है और इन तीनों को मिला के 6, यानी कि सी अकेला एक काम करता है और काम है कितना? 120। तो 120 बटे 1 बराबर 120, तो आंसर आ जाएगा 120 डेज, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन। एक 10 भुजाओं वाला बहुभुज है तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? फ्रेंड्स, हमें कुछ भी नहीं करना होता, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, कोई सा भी भुज हो, चाहे बहुभुज हो चाहे कोई सा भी भुज हो, उसका एक्सटर्नल एंगल का योग 360 ही होता है। कोई सा भी दे रखा हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, पॉलीगन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, नॉनागन हो, डेकागन हो, कुछ कोई सा भी गन हो, उसका बाह्य कोणों का योग 360 होता है, एक्सटर्नल एंगल का सम 360 ही होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुछ करना नहीं था हमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। कोई एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है उसका माप है 10√2। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कोई स्क्वायर हो तो जो उसका डायगोनल होता है उसका माप होता है 8√2, और इसमें 8√2 का मान दे रखा है 10√2, तो रूट टू से रूट टू शेद हो गया, तो ए का मान आ गया 10। निकालना क्या है? उसकी चारों भुजाओं का योग निकालना है, परिधि निकालनी है। परिधि क्या है? उसकी सभी भुजाओं का योग, एक भुजा का माप 10 है तो सभी भुजाएं का योग कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, तो 10 इंटू 4 बराबर 40 आंसर आ गया, ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, हमें इन चारों में से ठीक ऑप्शन ढूंढना है बस, और काफ़ी कुछ भी नहीं करना। फ्रेंड देखो, दो जो भी हमारे पास दो चीज़ें रखी हैं उसमें एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है। तो एक बार मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब देखो फ्रेंड्स, पहला पार्ट जो है वो 6x² है, और जो आखिर प्लस का, और जो आखिरी पार्ट है माइनस का 6y² है, यानी कि अंतर खाली बीच वाले में, तो खाली हम बीच वाला देख लेते हैं। बीच में दे रखा है 35xy,
तो 35x y आ कैसे रहा होगा, जब ये जो हमारा x का टर्म है, x का टर्म y से मल्टीप्लाई है या y का टर्म x से मल्टीप्लाई हो, तो x का टर्म जब y से मल्टीप्लाई होगा, x का टर्म कितना 6x, तो यहाँ से -36 आ जाएगा 36xy, क्योंकि 6x into 6y इज 36xy प्लस, बीच में अगर एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, तो -36 + xy इज -35, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बीच में -35xy आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए माइनस बी इज -5 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 73, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, सवाल खत्म हो जाएगा। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी रखी, -5, तो -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस तो स्क्वायर की वजह से शहीद हो जाएगा बेचारा, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 73, तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 73 -25/2, क्योंकि 2ab यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48/2, डिवाइड करने पे आ जाएगा 24, आंसर है 24, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द सम ऑफ ए नॉन नॉन जीरो नंबर एंड 10 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल इज 7, फाइंड द नंबर। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का 10 गुने का योग 7 है, संख्या ज्ञात करो। फ्रेंड्स, सपोज नंबर एक्स है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x, मगर रेसिप्रोकल का 10 गुना कह रहा है। अब बस वैल्यू पुट कर दो ऑप्शन में, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम 10 के बटे में रखें और पॉइंट में वैल्यू ना आए, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि तभी तो बचेगा, अगर हमने एक्स की जगह 5 रख दिया, 5 + 10/5, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और 5 और 2 7 होते हैं, वही हमें दे रखा है, ऑप्शन आ गया आंसर नंबर थर्ड, यानी कि 5 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इक्वलिटी से है, अपने को दो इक्वलिटीज दे रखी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम किसी प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, पहले मैं जो दूसरी इक्वलिटी कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 2 + 3x इज ग्रेटर देन 2x + x/2, तो हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 + 6x इज ग्रेटर देन 4x + x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 5x - 6x, 4 इज ग्रेटर देन 4, यानी कि जो हमारा x होगा ना, वो -4 से बड़ा होना चाहिए, और ये सारी की सारी संख्याएं -4 से बड़ी हैं, यानी कि अपने को दूसरा भी सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके, 2x + अब 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +3 × 6x इज स्मॉलर देन 2 + 3x, तो यहाँ से हो जाएगा 8x + 8 इज स्मॉलर देन 2 + 3x, तो x की टर्म एक तरफ और नंबर से एक तरफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x और -6/5, यानी कि x जो है वो 1.2 से छोटा है, ऑप्शन x जो है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा x जो होगा वो -1.2 से छोटा होना चाहिए, तो -1 तो बड़ा होगा 1.2 से, तो आंसर आ जाएगा -3। ठीक
ठीक है, क्योंकि जो भी माइनस वन है वो 1.2 से बड़ा है, हमारा आंसर कितना होना चाहिए, एक्स शुड बी लेसर देन माइनस 1.2, ठीक है ना। और ये जो ऑप्शन फोर्थ है वो खाली माइनस वन है, और माइनस वन क्या है, 1.2 से बड़ा है, तो आंसर एक ही बचा माइनस थ्री, जो कि छोटा हो 1.2 से, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में टोटल स्टॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके देख, एक बार पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पास पास तो नहीं है। ओके, ऑप्शन पास पास नहीं है, मतलब हम बिना रोक टोक इजीली अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इस 88 को ले लो 90, इस 69 को मान लो 70, इसे 20 रहे तो इसे कर लो 80, इसे कर लो 100, ठीक है, इस 12 को 10 कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1-2 लाख रुपए में, ठीक है, इसको 50 मान लो, क्योंकि जहाँ पे ये कम हो जाएगा उतना ही बराबर बढ़ भी जाएगा, 80 और 100, इसको चलो 25 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें इनका प्रोडक्ट करना है दोनों केसेस में, और प्रोडक्ट करके ऐड कर देना पड़ेगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमने 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 900, और 900 का कितने ज़ीरो बचे हैं, 3 ज़ीरो, 1, 2, 3, 21, 22, 1,000, 10,000 लाख, तो यहाँ से आ गया 9 लाख रुपये, इसकी वैल्यू आ गई 9 लाख। अगर हम 70 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो होते हैं 63, और 63 के आगे 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो, मतलब 1, 2, 3, 4 और 63, 6.3 लाख ये हो गए, 5 दूनी 10, और 10 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो, 10 के आगे 5 ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 लाख ये हो गए, ठीक है। 25 को अगर हम 8 से गुणा करते तो 200 होते हैं, और 200 का कितने ज़ीरो होगा, 4 ज़ीरो, 1, 2, 3, 4 और 200, 20 लाख यहाँ से हो गए। सिमिलरली 25 के आगे 5 ज़ीरो, तो 25 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, देखो फ्रेंड्स अगर हम इन सबको जोड़ेंगे ना तो आंसर 100 लाख से कम ही होगा, तो आंसर एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुछ ज़्यादा ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मतलब इसको अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये 100 पार नहीं होगा, तो 100 से कम एक ही ऑप्शन है हमारे पास 67.8, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द इम्पोर्ट इन 2012 वाज 1100 करोड़, 2012 में जो इम्पोर्ट था, मतलब इम्पोर्ट था वो 1100 करोड़ था, और 2012 और 13 का टोटल एक्सपोर्ट 52 करोड़ था, तो 2013 में इम्पोर्ट कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो जो हमें ये डेटा गिवन है वो है क्या, वो रेशियो है इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का, और 2012 में इम्पोर्ट था कितना, 1100, यानी कि 1100 बटे, क्योंकि अपने को एक्सपोर्ट पता नहीं है, और इसका रेशियो देखा है 0.7, ठीक है। अब कोई भी, अब देखो ये जो रेशियो है वो 0.7 है, यानी कि एक से कम है, और कोई भी वैल्यू एक से कम कब आती है, जब उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको 0.7 की जगह 0.75 मान लें, तो ये किसी संख्या का तीन भाग होंगे, अपने को 4 भाग चाहिए, ठीक है। तो अगर हम x कैलकुलेट करना चाहें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं 1600 के आसपास होगा, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 1500 मान लेते हैं, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1100 को 0.75 से डिवाइड करना पड़ेगा, या 0.7 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 आ जाएगा, तो 2012 का एक्सपोर्ट कितना आ गया, 1500, ठीक है। और क्या हुआ था कि 2012 और 13 का कुल एक्सपोर्ट था कितना, 5200, जिनमें से 12 में कितना था, 1500, तो 5200 में से 1500 अगर हम घटा दें तो कितना बचता है, 3700, यानी कि 13 में अकेले एक्सपोर्ट कितना था, 3700 का, तो x अपॉन 3700, क्योंकि 2012-13 में अपने को इम्पोर्ट निकालना है, अपने को पता नहीं है, मतलब x अपॉन और e हमने कैलकुलेट किया 3700, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.8,
ठीक है। और इस पॉइंट एट का मतलब क्या है, इस पॉइंट एट का मतलब ये है कि जो हमारी नई वैल्यू होगी वो भी कहीं ना कहीं इससे छोटी होगी, कि तभी तो पॉइंट एट आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 × 2 = 8, 4 = 32, 8 × 2 = 40, 37 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही करना पड़ेगा एक्स निकालने के लिए। तो 7 × 8 = 56, 5 × 8 = 24, 24 × 5 = 29, मतलब 3000 के आसपास आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो कि 29 से कुछ दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। इजी क्वेश्चन ही था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा दो बर्थडेज, और उन दोनों बर्थडेज के बीच में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है उसकी हाइट का। ये बच्चे की हाइट दे रखी है और ये उसके बर्थ ईयर्स दे रखे हैं कि पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे, उसी तरह डेटा दे रखा है अपने को। देख लेते हैं दो बर्थडेज कौन कौन से हैं क्वेश्चन में। हमें उसके एट्थ और फिफ्टींथ बर्थडे के बीच में उसके हाइट में कितना इंक्रीमेंट आया था वो बताना है, 8 और 15। अरे आजा भाई। ओके, 8 में उसकी हाइट थी 135 और 15 में हाइट थी 180, तो 180 - 135 = 45 सेंटीमीटर, और आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन 45 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हमें फिटनेस बैंड का डेटा गिवन है और अपने को दे रखी है कि वो किस प्रकार की नींद में कितने परसेंट ऑफ टाइम तक था, ठीक है। और हमें लास्ट में उसने पूछा है वो कितने टाइम तक ड्रीमिंग कर रहा था और एक्सट्रीमली लाइट स्लीप में था। तो ड्रीमिंग का परसेंटेज कितना है, 5%, और एक्सट्रीमली लाइट स्लीप का था 5%, यानी टोटल कितना परसेंटेज होगा, टोटल स्लीप का 10% / 100, और टोटल टाइम कितना है, 10 से 6 बजे यानी कि 8 घंटे। 8 घंटे का 10% कितना होता है, 80 मिनट, और 80 मिनट का मतलब 1 घंटे 20 मिनट। ओके, अरे नहीं चाह यार, ये क्या फर्जीवाड़ा कर दिया उन्होंने। 0.8 आवर्स, मेरे 1 घंटे 20 मिनट, इन्होंने तो 1 घंटे से भी कम आंसर दे रखा है। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आंसर होता भी तो ये होना चाहिए था 1.33 आवर्स, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता मैंने पढ़ने में कुछ गड़बड़ी कर दी हो। ड्रीमिंग और एक्सट्रीमली लाइट स्लीप, ड्रीमिंग और एक्सट्रीमली लाइट स्लीप, ठीक है 10% आ गया, 25, 30, 40, 45 करेक्ट है, 10/100 × 8 आवर्स। आठ घंटे, आठ घंटे, ओके ओके ओके, 8 घंटे का मतलब होता है 60 × 8, ठीक है, मैंने 100 से कर लिया था, करेक्ट है आंसर। और अपने को 10 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 × 8 = 48 मिनट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 मिनट। और 48 मिनट का मतलब क्या होता है, 48 मिनट का मतलब होता है 5/6 आवर्स। अभी भी वैसे अप्रोक्सीमेटली 0.8 आवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि
अगर हम देखें तो 6 8 40 80 होते हैं, ठीक है, तो 0.8 आर्स आ जाएगा, करेक्ट। हम 48 को 0.8 आर कह सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर 60 मिनट एक घंटे में होते हैं तो 0.1 पार्ट कितना हो जाएगा, 0.1 पार्ट हो जाएगा 6, तो पॉइंट तो 48 मिनट कितने हो गए, 6 8 जा 48, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करने का तो आ गया ना 0.8। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो लाइक करना ना भूलें, और आपको पता ही हो कि खुराना सर थोड़ा सा डर गए हैं, अब शायद आप लोगों का पेपर अच्छे स्टेट में हो, स्टेट का मतलब फर्जीवाड़ा आपके पेपर में ना हो, हो सकता है कुछ डिले भी हो, आज शायद कुछ नोटिफिकेशन आ जाए कि पेपर आप लोगों का डिले होने वाला है कुछ इस तरह का। मगर अगर डिले होता भी है पेपर आप लोगों का, तो उसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेना, क्योंकि अगर पेपर डिले हुआ तो उसमें आप लोगों का ही भला है। अगर पेपर 4 से स्टार्ट हो गया, समझ लो सीवी ही करवाएगी और वो फिर लीक होगा, आप लोगों का ही नुकसान है उसमें। अगर पेपर डिले होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, भगवान से प्रार्थना करना कि थोड़ा सा डिले हो जाए मगर पेपर प्रॉपर वे में कंडक्ट हो, सीजीएल की तरह नहीं कि भेड़ चाल, पैसा खाओ पैसा बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय।